खबर मऊ जनपद से, जहां भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाले योगी सरकार में उनके ही कार्यकर्ताओं की शिकायत पर भी अधिकारियों और प्रधान की मिलीभगत खुलकर सामने आ रही है। जहां जांच सही दिशा में नहीं हो रही, इसका जीता जागता उदाहरण मुस्तफा ग्राम सभा है, जहां आरएसएस कार्यकर्ता आलोक सिंह जो पिछले 2 महीनों से प्रधान के खिलाफ जांच करा रहे, लेकिन प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत होने की वजह से उनकी जांच नहीं हो पा रही। मऊ जनपद से दीपक सिंह, सचिव की रिपोर्ट। मैं इस समय मऊ जनपद के यहाँ का अंतिम ब्लॉक पूर्वी छोर पर रतनपुरा कहा जाता है, ब्लॉक का नाम रतनपुरा है, और यहाँ के एक प्रतिष्ठित गांव है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद के एक हम यहाँ के एक आदर्श और सम्मानित व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में गांव में क्या कार्य हुआ है, ग्राम प्रधान द्वारा क्या किया जा रहा है। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं, इनका जानते हैं नाम और परिचय। जी, आपका नाम? आलोक सिंह। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ, इस खंड का बौद्धिक प्रमुख रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हूँ। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि यह सरकार हमारी अपनी सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती है। सर, आज हम आपको गांव आए हैं और देखने को मिल रहा है कि लगभग यहाँ विकास का कुछ एक ताता भी नहीं बोल रहा है, तो आपका इस पर क्या विचार है? मेरा विचार है कि मैंने जन सूचना के माध्यम से विकास कार्यों का ब्यौरा दिया था, उसके बाद जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा, उस पत्रों के बाद जिलाधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, लेकिन वह समिति ब्लॉक के ही 2 सहायक विकास अधिकारी थे और 1 JA थे, और जो मेरे मुख्य बिंदु थे उस बिंदुओं पर जांच नहीं हुई। और इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मैंने मांग किया है कि राज्य स्तरीय टीम से इस ग्राम सभा के विकास कार्यों की जांच कराई जाए। मेरे गांव में 16 लाइट नहीं लगा, सुखता निर्माण नहीं हुआ, कूप मरम्मत पर काफी पैसे निकाले गए और खरंजा नाली और मनरेगा में बहुत तरह का भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मांग किया है कि राज्य स्तरीय टीम गठित करके और इसे निष्पक्ष जांच कराई जाए। और इसे आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, जो हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं और उनसे मुलाकात भी मेरी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के और ग्राम सभा मुस्तफाबाद के भ्रष्टाचार की जांच कराएं, ताकि यह हमारे ब्लॉक का बहुत बड़ा गाँव है और इस पर अगर जाँच हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जनता में अच्छा संदेश जाएगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन देने का वादा है, वह एक पूरा। सर, कि अभी आपने कहा कि हम मुख्यमंत्री से जांच के लिए आदेश किए, सर्वप्रथम आपने कहा कि जिलाधिकारी से जांच किया गया, तो उस जांच में आपको क्या लगा? क्योंकि जिलाधिकारी के द्वारा जो जांच कमेटी गठित हुई थी, उस जांच में शिकायत करता था और मुझे सूचना तक नहीं दी गई। जब जांच समिति गाँव में आ गई तो वह जाँच समिति ने की आ रही है और मैं गया, और जो मेरे मुख्य बिंदु थे उस पर जांच समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई जांच नहीं किया और आए और अपना प्रधान से मिल करके उनके घर चाय नाश्ता करके चले गए। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि यह चूँकि रतनपुरा विकास खंड के ही जांचकर्ता अधिकारी थे, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को इसीलिए पत्र लिखा कि वह राज्य स्तरीय टीम का गठन करके और इसमें मेरे ग्राम सभा की जाँच करा। सर जाँच हुआ है उसको लेकर के फिर आप माननीय जिलाधिकारी से है मिले? नहीं, उसके बाद में मेरे जिलाधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा कार्यक्रम है कि मैं 1-2 दिनों में माननीय जिलाधिकारी से मिलूंगा और पुनः उनसे मांग करूंगा कि जो आपने जांच कमेटी गठित की थी वह जांच कमेटी जो कि मेरे विकास खंड की थी वो सब प्रधान से मिले हुए थे, इसलिए आप राज्य स्तरीय टीम भी का भी आप ही लिखें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री तक मेरा पत्र पहुँच चुका होगा शायद, मुझे उम्मीद है। सर, कि आप जो पत्र लिखे हो कितने दिनों के पत्र लिखे आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के? 20 दिन। सर आपसे एक अंतिम प्रश्न है। सर, आपके ग्राम सभा में आपने तमाम तरह की नलकूप से लेकर के पोखरी तक की बात कही है, तो इस समय देश नहीं वैश्विक चल रही है कोरोना वायरस 19 हमारी, उसको लेकर के आपके यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि और कि प्रशासन का क्या है रवैया, उसको लेकर के सैनिटाइजर मास्क छिड़का हुआ है कभी गाँव में?
मेरे ग्राम सभा में मेरा गांव सैनिटाइज हुआ, न मास्क वितरण हुआ और कोई कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इसके रोकथाम के लिए मेरे ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ, मेरे ग्राम प्रधान ने कोई काम नहीं किया। सर मतलब कि जैसे कि आप लोग आज देखे कि आज हम रतनपुरा ब्लॉक के एक यहाँ के स्थानीय गांव है मुस्तफाबाद के स्थानीय नागरिक से मिले आलोक सिंह जी से। जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि ग्राम सभा में पिछले 5 साल से लुटास चल रहा है और लगभग 20 वीडियो और जिलाधिकारी और एसपी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जांच भी हुआ कार्य का, लेकिन उस पर कोई संतुष्ट जवाब इनको नहीं मिला। तो फिर इन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी पत्र लिख करके गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि मुस्तफाबाद गांव का मुख्यमंत्री स्तर से किस तरह का जांच होगा कि यहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट होते हैं कि नहीं। और आप लोग ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल ग्राउंड।